हैं एक्सपोज। देखो भाई, हम दिल से आपको प्यार करते हैं, हम कोई दिखाने के लिए प्यार नहीं करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी मैं हूँ हल्द्वानी जंक्शन पे, सॉरी जंक्शन नहीं, हल्द्वानी स्टेशन पे। तो आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार। तो आज मिलूँगा मैं इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर सौरभ जोशी ब्लॉग से। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आना है यार, वीडियो में लास्ट तक बन रहना है। जो भी चीज़ होने वाली है ना, बहुत मैं धमाकेदार क्वेश्चंस भी मैंने सोच के रखे हुए हैं उनको, उनसे पूछने के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, नहीं होता है। चलिए चलते हैं अभी। गाइस, मेरे तो समझ लो बिल्कुल मेरा ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा अगर सौरभ भाई मिल गए तो। बट मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि मैंने ना, मैं बिहार से आ रहा हूँ अभी, और मिल जाएंगे, कन्फर्म है, मैं तो कन्फर्म हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है यार, बाजार वगैरह देख के लग तो रहा है, उनके व्लॉग्स में ये सब चीज़ें हल्की फुल्की देख रखा हूँ मैं। तो गाइस, मैं दोनों साइड देख रहा हूँ कि किधर भी, मतलब उनकी थार या फिर फॉर्च्यूनर या फिर वो ड्यूक से तो नहीं जा रहे हैं, मैं यही देख रहा हूँ बस। बिकॉज अभी मेरे को एक रास्ते में थार दिखी, मैंने सोची उनकी है, बट उनकी नहीं थी, उसकी किसी और की। ओलिविया सोसाइटी तो पहुँच गए हैं, और बाकी देखते हैं अभी सौरभ भाई मिलते हैं नहीं मिलते, या फिर कहीं गए हुए हैं। सोसाइटी को आपने हमेशा काफ़ी बार व्लॉग्स में देखा होगा, तो यहीं पे उनका वेट करते हैं अभी, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइस, ये रही ओलिविया सोसाइटी, जहाँ पे सौरभ भाई काफ़ी बार, यहाँ पे तो मीटअप भी होता है उनका बहुत सारा, यहाँ पे सौरभ भाई तो मीटअप भी करते हैं ऑब्वियसली, और मैंने देख भी रखा है व्लॉग में बहुत सारे। सिक्योरिटी अंकल तो पहले ही जान जाएंगे कि सौरभ जोशी व्लॉग से मिलने के लिए आ रहा है। नहीं, मैंने कल के व्लॉग में, परसों के व्लॉग में एक बंदा आया था ना यहाँ पे बनाया था, तो हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, नहीं मिलते ना अब। मैं बिहार से आया हूँ एक्चुअली, जी बहुत दूर से आया हूँ मैं, परसों बैठा था ट्रेन पे, अभी उतरा हूँ बिहार से आया। और गाइस, आई थिंक सौरभ भाई तो अंदर है, अभी तक आए नहीं है वो, और मुझे लग रहा है कि अब वो शाम को ही आएंगे, क्योंकि उसके पहले तो आएंगे नहीं, शाम को ही आएंगे आई थिंक, उसके पहले तो नहीं आ रहे हैं मुझे। गाइस, सौरभ भाई तो अंदर में खड़े हो रखे हैं, आई थिंक हल्के फुल्के आ रहे होंगे कैमरे में। तो गाइस, अभी सौरभ भाई तो दिख रहे हैं, बट वो देखो थार लेके आते हैं या नहीं आते हैं। तो गाइस यार, मुझे लगभग एक घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे, वहाँ पे तीनों भाई दिख रहे हैं मुझे, पीयूष भी दिख रहा है, साहिल भाई भी दिख रहे हैं, एंड सौरभ भाई भी दिख रहे हैं, तीनों दिख रहे हैं। बट गाड़ी यहाँ लेकर आए, जब भी तो मिल पाऊँगा, बिकॉज अंदर तो जा नहीं सकते हम, तो भी देखते हैं आएँगे जब भी मिल पाऊँगा, उसके पहले तो नहीं मिल पाऊँगा। तो गाइस, मैं लगभग 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ, बिहार से आया हूँ, और इतने दूर से आया हूँ सिर्फ मिलने के लिए। तो आई होप फुली वो मिल लें मुझसे, मना ना करें मिलने से। वो तो अभी मैं देख रहा हूँ थार की वीडियो बना रहे हैं, आई थिंक ब्लॉग ही बना रहे हैं वो भी। तो गाइस, अभी मैं वहाँ पे था, बट उनके गार्ड अंकल जी मुझ पर गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे यहाँ चले जाओ, मतलब इस साइड चले जाओ, इस साइड चले जाओ, तो मैं यहाँ आ गया। देखो वहाँ पे ना गाइस, वहाँ पे वीडियो बनाना इसलिए अलाउ नहीं, बिकॉज यहाँ सोसाइटी के जितने भी लोग हैं ना, सब लोग मना करते हैं कि वीडियो नहीं बनाने, वीडियो नहीं बनाने, इसी की वजह से वीडियो नहीं बनाते ऑब्वियसली कोई भी यहाँ। बाकी गाइस, सोसाइटी देखने में तो एक नंबर लगता है, बिल्कुल मस्त। गाइस, अभी सौरभ भाई की गाड़ी तो आ रही है, मैं जा रहा हूँ कि मैं बाहर में यहाँ पे खड़ा रहूँगा, तो शायद वो रुकें बातचीत करें, तो अभी यहीं पे रुकते हैं, देखते हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते। वो सौरभ भाई की थार आ रही है, तो गाइस सौरभ भाई की थार तो आ रही है, देखते हैं मिलते हैं या नहीं मिलते। तो गाइस, मैं तो इतनी दूर से आया हूँ, सौरभ भाई मेरी वीडियो बना रहे हैं, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं बिहार से आया हूँ एक्चुअली, और देखिए सौरभ भाई आई थिंक शायद मिले। सौरभ भाई बस थोड़ी सी बहुत दूर से हैं, प्लीज़ यार कुछ नहीं होगा ऐसे बना के यार, प्लीज़। फिर बाय, ठीक है भाई, लोग बोलने ही नहीं दे रहे, कुछ कुछ करने भी नहीं दे रहे, सौरभ भाई भी कुछ नहीं करने दे रहे हैं। भाई पीयूषी देखने में बहुत छोटा लगता है, बट आप देखने में वीडियो में बड़े लगते हो, लेकिन रियलिटी में आप बहुत छोटे हो। अच्छा, मतलब वीडियो के हिसाब से ना आप छोटे लगते हो, सारे ऐसे बोलते ना, लगता है ऐसा, बुरा तो नहीं लग रहा पीयूषी भाई, मतलब ऐसे। तो गाइस, फाइनली मीट अप विद सौरभ जोशी व्लॉग्स, मज़ा आ गया भाई मिलके, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया सौरभ भाई अपनी थार के साथ। भाई थोड़ा सा रुक जाओ मेरे, हेलो एक
ट्रेन तो अब मेरी कल की है, अभी कितनी है, मैं तो अभी रुकूंगा यहीं पे, देखेंगे अगर बाद में मौका मिलेगा तो फिर आपसे एक बार और मिलेंगे। डेली देखता हूँ भाई मैं तो ये सोच रहा था मैं कि कहीं आप दिल्ली विल्ली तो नहीं चले गए, मैं बिकॉज आप हमेशा आते रहते ना इसके लिए मिलने के लिए आपने मना कर रखा है। वो इसलिए मैं वहाँ पर मिलना है, इधर इधर भी और कोविड भी बहुत फैल गया। कोविड वो एक नया वर्जन आ गया ना ओमिक्रॉन, इसलिए मैंने मना करा। बाय बाय, आपकी वीडियो ऑन है, आपको मैंने मना करा था। मैं बाय बाय तो बोल रहा हूँ, ठीक है बाय। गाइस सौरभ भाई फाइनली जा रहे हैं अब, हैं एक्सपोज। देखो भाई हम दिल से आपको प्यार करते हैं, हम कोई दिखाने के लिए प्यार नहीं करते हैं। आपकी जब आर्ट पे लगभग सब्सक्राइबर थे 3 लाख, जब आप यूट्यूब फैन फेस्ट में गए थे, जब से फॉलो कर रहा हूँ, आज इतनी मेहनत से आज यहाँ आया हूँ, बहुत मेहनत करके आया हूँ, ऐसे नॉर्मली नहीं मतलब उठाए चल दिए, बहुत दूर से और बहुत मेहनत करके आया हूँ। लेकिन अभी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है ना, कोविड का टाइम है, आप फिर भी आ जाना भाई। देखो अपना भी कुछ मतलब चाहते हैं ना हम लोग भी थोड़ा अपनी लाइफ में थोड़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो मैंने मना करा है ना। हाँ अभी सिचुएशन के हिसाब से आप तो मना कर रखा है। अभी पीयूष के टीचर वो हिमालयन सर वाली बाइक है ना, तो मैंने वो देखी, मैंने कहा, मैंने फिर पूछा सर पीयूष ही घर पे ही है, तो उन्होंने कहा हाँ, फिर मैंने सोचा कि अगर होंगे भाई मिल लेंगे, बस यही सब सोच के मैं आया, बाकी और कोई मेरा वो नहीं है। देखना हमको ही हेट मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, यार प्रॉमिस है यार, कभी मैं गलत नहीं नहीं मिलेगा, मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे, नहीं मिलेगा आपको हेट मेरी वजह से, तो नहीं मिलेगा, अपना वादा है। ठीक है भाई फिर भाई। अरे पीयूषी तो गई, सौरभ भाई तो चले गए, ये थी महिंद्रा थार, उन्होंने ओके उन्होंने बस एक रिक्वेस्ट की कि उनकी वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। सौरभ भाई, सौरभ भाई, सौरभ भाई, भाई तो चले गए, बाकी कोई बात नहीं, चले गए तो अब कोई बात नहीं। ये बैक हो रही है गाड़ी इनकी, तो ये सौरभ भाई का नंबर UK04AG4432। तो मज़ा आ गया सौरभ भाई से मिलके, साहिल भाई से भी मिलके, पीयूषी भाई से भी मिलके, सारे लोग बहुत ही अमेजिंग थे, मैं तो लिटरली बहुत ही अच्छा लगा मेरे को मिलने पे, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। देखो हल्द्वानी में ना भाई इनके सोसाइटी में तो बंदर भी घूम रहे हैं, देखो बंदर आ रहे हैं। तो गाइस फाइनली सौरभ भाई तो चले गए हैं, अभी मेरी रात को ट्रेन है यहाँ से, तो रात को मैं निकल जाऊँगा बिहार के लिए वापस। तो इतनी दूर से आया था, सब चीज़ किया था, बट उन्होंने वीडियो बनाने से साफ साफ मना कर दिया, कहा कि वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनानी है। तो मैंने भी भाई क्या कर सकते, छुप छुपा के लोग कितना वीडियो बनाएगा, बहुत छुपेंगे, थोड़ा बहुत बना पाएंगे, एक दो क्लिप बना पाएंगे, जब बंदर आज ही नहीं है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में जो भी हुआ जितना हुआ, आई थिंक आप लोग को इंटरेस्टेड लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। इतनी दूर से आया था भाई ने, मतलब वीडियो बनाने से साफ मना कर दिया, मतलब भाई ने तो कहा कि जब मैंने मना किया है तो आप क्यों आए हो इतनी दूर से, मतलब आना ही नहीं चाहिए था आपको। भाई हम सब्सक्राइबर हैं, इतनी दूर से आए, बस क्या बोल सकते हैं, और ज़्यादा बोलेंगे तो कहेगा कि अगर कोई भी देखेगा तो कहेगा कि सौरभ भाई कोई एक्सपोज करने लग गया मीटअप के लिए, तो मुझे वो सब नहीं करना है, वीडियो नॉर्मल है और एक मतलब मीटअप के तौर पर है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये देखो भाई गाइस, मतलब इस सीन को देखने के बाद ना मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, लिटरली जब मैं इस सीन को देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं यहीं पे रुकूं। बाकी फ़िलहाल गाइस अब खाना पीना तो हो गया मेरा, तो गाइस जिस ढाबे पे मैंने खाना वाना खाया तो ये पंजाबी तड़का ढाबा, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल जूस वगैरह खाने पीने के सामान मैं रात को भी यहीं के लिए पैक करवा लेता हूँ, और बाकी ये सोसाइटी ठीक है। ओलिविया फिर चलते हैं, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।